किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें तकनीक से जोड़ने और भूमि का समुचित उपयोग करने को लेकर सरकार गंभीर दिख रही है। कृषि सचिव श्रवण कुमार खुद राज्य में पराली को लेकर 3 दिनों से हवाई सर्वेक्षण पर हैं। भागलपुर पहुंचे कृषि सचिव ने कृषि विज्ञान केंद्र में सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ बैठक कर मौसम के अनुकूल खेती और तीनों मौसम में किसानों को खेती का लाभ कैसे मिले, इसको लेकर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यशाला में उन्होंने किसानों से पराली नहीं जलाने और इसका उपयोग खेतों में ही खाद के रूप में करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों से एक रणनीति के तहत किसानों को नए कृषि बिल की जानकारी और इससे होने वाले फायदों को समझाने का भी निर्देश दिया। इस अवसर पर आर्या परियोजना द्वारा किसानों के बीच नेट शीट, मछली जीरा और चूजा का भी वितरण किया गया। मौके पर सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह, कृषि निदेशक आदेश तितरमारे, प्रसार निदेशक आरके सुहाने, भागलपुर डीएम प्रणव कुमार, स्टेट नोडल अधिकारी समेत अन्य लोग मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि कृषि विभाग का एक टीम हवाई सर्वेक्षण करें पूरे संपूर्ण बिहार का, और वहाँ पर जो पराली और या पुआल जलाने की समस्या है तो उसका कितने दूर तक इससे ऐसा समस्या है उसके बारे में देखने का। हम लोगों ने अभी तक पिछले लगातार 3 दिनों से कई जिले में हम लोगों ने इस तरह का लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। कई जगह पर इसका जो फसल अवशेष का जलाने का समस्या हम लोग देख रहे हैं और जो वो गलत है तो उसके बारे में हम लोग किसानों के बीच में जागरूकता और फैलाएँगे, और उसके साथ साथ किसानों को मदद करने के लिए भी ये फसल अवशेष का यानी जो पुआल को कैसे प्रबंधन किया जाए उसके बारे में हम लोग उनको पूरा मदद करेंगे, लेकिन हम लोगों का अभी है हवाई सर्वेक्षण करने का। भागलपुर विश्वविद्यालय के निवर्तमान कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह और रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह के विदाई सम्मान समारोह में शहर के बुद्धिजीवी से लेकर जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन मारवाड़ी पाठशाला समिति और विश्वविद्यालय विचार मंच के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। बरारी में आयोजित कार्यक्रम में पहले उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया और वक्ताओं ने उनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय में उनकी उपलब्धियों की चर्चा की। समारोह को संबोधित करते हुए निवर्तमान कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा, 7 महीने के कार्यकाल के दौरान यहाँ मुझे जो सहयोग मिला उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए कुल सचिव कर्नल अरुण कुमार सिंह ने कहा, यह विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मुझे मिलने वाला स्नेही था जिसे मैं बिल्कुल ही अलग क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन भलीभांति कर पाया। 7 महीने का जो कार्यकाल तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का था वो बहुत ही सुखद रहा, और सच माने में तो मैंने बहुत सारी चीजें नई चीजों को भी मैंने सीखा हुआ, और जो जिस तरह के जितने हमारे साथी थे, हमारे ऑफिसर्स यूनिवर्सिटी के टीचर्स का जो कोऑपरेशन मिला, सब ज्यादा हमारे लाइब्रेरी हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं, और मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैंने कहा कि ये काम होना है वो नहीं हुआ। मेरा टेन्योर जो बहुत ही वंडरफुल था और हमारे लिए एक नई चीज थी, क्योंकि मैं किसी दूसरे प्रोफेशन से आया था और एजुकेशन में आके मुझे भी सबका कोऑपरेशन मिला है और मैं बिल्कुल सेटिस्फाइंग नोट पे जा रहा हूँ। वही सीनेट सदस्य जेता सिंह ने कहा कि दोनों अधिकारियों की यह लोकप्रियता ही है जो इतनी बड़ी संख्या में गणमान्य लोग पहुंचे हैं। कुलपति और कुलसचिव दोनों का कार्यकाल पारदर्शी और विवेकपूर्ण रहा, जिसे भागलपुर के लोग हमेशा याद रखेंगे। मौके पर पूर्व जीव अध्यक्ष शंभुदयाल खेतान, दीपू भुवानिया, पूर्व कुलपति क्षेमेंद्र कुमार सिंह, कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर उग्र मोहन झा, मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य गुरुदेव पोद्दार, सीनेट सदस्य मृत्युंजय सिंह गंगा, सुमन कुमार सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। हमारे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के जो निवर्तमान कुलपति महोदय हैं और कुल सचिव महोदय, उनका जो है विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। यह आयोजन मारवाड़ी वित्तीय समिति और विश्वविद्यालय विचार मंच के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। निश्चित रूप से जब लोग काम करते हैं तो वो पारिश्रमिक उनके जाने के समय
दिखता है और इसी कड़ी को जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है कि विदाई का जो आयोजन है वो आज किया गया है। गंगा में कटाव से विस्थापित होने के बाद पहले जमीन दी, उसके बाद बासगीत का पर्चा मिलने के बाद जब मकान बनाकर रहने लगे तो प्रशासन का कहना है यह अतिक्रमित की गई जमीन है, इसे खाली करना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही दर्द है सुल्तानगंज प्रखंड के गंगटी गांव के जुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का। स्थानीय प्रशासन से कोई सुनवाई नहीं होने के बाद विस्थापन की आशंका से भयभीत ये गरीब आज DM के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। SUCI के बैनर तले भागलपुर पहुंचे इन ग्रामीणों की मांग है बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए हमें यहां से नहीं उजाड़ा जाए। अपनी मांगों के समर्थन में इन लोगों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं SUCI के राज्य कमेटी के सदस्य कमलेश शाह ने कहा ये गरीब यहां वर्षों से रहते आ रहे हैं, सरकार द्वारा इन्हें घर, शौचालय, पानी व बिजली की भी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। ऐसे में इनके पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना इन्हें यहाँ से हटाना इनके साथ अन्याय होगा। सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत गंगटी ग्राम में आज करीब 50-51 वर्षों से गंगा के कटाव होने के बाद गरीब दलित मजदूर साथियों को सरकार उस समय बिहार सरकार ये कह करके वो जमीन उक्त जमीन पर इन लोगों को बसाया गया ये भूमिहीन है, रहने का कोई जगह नहीं था और काफ़ी आंदोलन जद्दोजहद के बाद बिहार सरकार वो जमीन मुहैया करा करके इन लोगों को बसाई, जिसमें से कुछ परिवार को बासगीत पर्चा भी सरकार ने दी है और कुछ परिवार को आज तक बासगीत पर्चा नहीं मिल पाया। अंचलाधिकारी के आश्वासन के आधार पर कहा गया कि बसे सभी लोगों को बासगीत पर्चा सरकार देगी और बिहार सरकार के अनुसार 5 डिसमिल जमीन भी दिया जाएगा, बिजली पानी की सुविधाएं भी दी गई और शौचालय, ये तमाम चीज़ों का सुविधा मिला, लेकिन आज उक्त जमीन से सरकार खाली कराने की बात कर रही है। अंचलाधिकारी के द्वारा पिछले दिनों बराबर तंग और तबाह किया जा रहा है कि उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त आप करें, तो हमारा मांग है आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी के समक्ष कहने आए हैं कि उक्त जमीन पर ये गरीब मजदूरों को बिना पुनर्वास कराए इसकी गारंटी करे सरकार और इसे पुनर्स्थापित करे और तभी उक्त जमीन से अतिक्रमण इनको हटाया जाए। कुलपति का प्रभार लेने के बाद TNV कॉलेज के प्राचार्य संजय चौधरी के विरोध का जो सिलसिला शुरू हुआ है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। विभिन्न छात्र संगठनों ने उनके विरोध में धरना प्रदर्शन से लेकर पुतला दहन तक किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का विरोध बंद होते ही छात्र जदयू ने मोर्चा संभाला। गुरुवार को फिर एक बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने अलग अलग कॉलेजों में हस्ताक्षर अभियान चलाकर कुलपति का विरोध किया। TNV कॉलेज में हस्ताक्षर अभियान का नेतृत्व करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्य समिति सदस्य अवनीश सिंह ने कहा भ्रष्टाचार में लिप्त प्रभारी कुलपति को जब तक हटाया नहीं जाता है हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। आज TNV कॉलेज में विद्यार्थी परिषद के द्वारा हस्ताक्षर अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि जो भ्रष्ट कुलपति विश्वविद्यालय में राजभवन से नियुक्त किया गया है उनका हम लोग विरोध कर रहे हैं। वो जहाँ भी गए हैं सुल्तानगंज कॉलेज, मुरारका कॉलेज से लेके SSB तक, सब कॉलेज में उनपे कोई ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप है और इसी आरोप को देखते हुए भी राजभवन से इसको नहीं देखा गया, नजरअंदाज करते हुए उनको फिर से एक VC का पद, प्रभारी VC बना दिया जाता है। उसके विरोध में आज हम लोग जो है लगातार पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने प्रभारी कुलपति के विरोध में मारवाड़ी कॉलेज में भी हस्ताक्षर अभियान चलाया। यहां कॉलेज के अध्यक्ष आदित्य राज ने बताया राजभवन को अंधेरे में रखकर डॉक्टर चौधरी की प्रतिकुलपति के पद पर प्रतिनियुक्ति कराई गई है जिसका हम लोग विरोध करते हैं। हस्ताक्षर के माध्यम से हम लोग महामहिम का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं। मालूम हो कि TNV कॉलेज में रहते हुए भी उन पर कॉलेज के पूर्व प्रशाखा पदाधिकारी ने 80 लाख रुपए गबन का आरोप लगाया था। इसके अलावा मुरारका कॉलेज में हुए गबन के मामले में कमेटी ने जाँच की जिसमें उन्हें दोषी पाया गया। आज पहली बार हमारे विश्वविद्यालय के इतिहास में ऐसे भ्रष्ट कुलपति मिले हैं जिनपे 4 कॉलेजों में अनियमितता का केस दर्ज है,
चार कॉलेजों के मामले में संलिप्त पाए गए हैं। भ्रष्टाचार के मामले में हो, चाहे TNB कॉलेज हो, चाहे मुड़का कॉलेज हो, ऐसे बहुत सारे कॉलेजों में जो भ्रष्टाचार में लिप्त संलिप्त पाए गए हैं। तो ऐसे कुलपति का हम लोग विरोध में आज हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और आगे भी हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करेंगे एवं संघर्ष करेंगे ऐसे कुलपति को हटाने। अपर समाहर्ता राजेश झा राजा ने सुल्तानगंज के अंचल कार्यालय में प्रखंड में चल रहे कार्यों का जायजा लिया और CO को दाखिल खारिज समेत अन्य कार्यों के निष्पादन का निर्देश दिया। साथ ही DCLR ब्रजेश कुमार ने RTPS काउंटर पर आवासीय में हो रहे विलंब पर फटकार लगाई। उसके बाद उन्होंने मिरहट्टी पंचायत में 7 निश्चय योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया और मुखिया मदन कुमार से योजनाओं की जानकारी ली। नगर जदयू प्रोफेसर संजय मंडल ने DCLR से मुलाकात कर दाखिल खारिज में हो रहे विलंब पर चिंता जाहिर की। इस दौरान CO शंभू शरण राय, BDO नवल किशोर ठाकुर समेत अन्य कर्मचारी मौजूद थे। पैसा भी आना बाकी है तो काम शुरू होगा, फिर पैसा आएगा। और ये जो मुख्यमंत्री साहब निश्चय के अंतर्गत जो नल जल का जो स्कीम देखे तो नल जल का स्कीम बात हो सकती है नहीं, वो काम नहीं चलता है। तो वहाँ लिखे पर ग्रामीणों द्वारा बताया गया था। बिहार सरकार द्वारा बड़े ट्रकों में बालू गिट्टी की ढुलाई पर रोक लगाने का भागलपुर जिला ट्रक एसोसिएशन ने विरोध किया। जिला एसोसिएशन के अध्यक्ष दीप नारायण सिंह ने कहा, नोटबंदी की तरह सरकार ने तत्काल इस पर बैन लगाकर इस उद्योग को बंद करना चाहती है। सरकार के इस निर्णय को लेकर 18 दिसंबर को भागलपुर 0 माइल में नॉर्थ बिहार के सभी ट्रक मालिकों के साथ महासभा होगी। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भानुशेखर सिंह के नेतृत्व में ट्रक मालिक प्रदर्शन करेंगे। प्रवक्ता बबलू मंडल ने कहा कि सरकार के इस फैसले से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और अपराध बढ़ेगा। वहीं उन्होंने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने, टैक्स और इंस्टॉलमेंट की मांग मानहानि के रूप में करने की भी बात कही। होगा मुख्यमंत्री के पास, पर इन्होंने एक फैसला को तुरंत लागू कर दिया, आज के आज लागू हो गया। कहते हैं ओवरलोड वाहन चलने से पुल पुलिया टूट रहा है। तो हम मीडिया बंधुओं से माध्यम से पूछना चाहते हैं कि ओवरलोड आपको रोकने का पावर नहीं है? आपके पास प्रशासन है, आपके पास परिवहन विभाग का बड़ा बड़ा पदाधिकारी है, तो आप क्यों नहीं ओवरलोड पर लगाम लगाते हैं? 18 तारीख का हमारा बैठक है और पूरे नॉर्थ बिहार के ट्रक मालिकों के साथ बैठक है, जिसमें कि लगभग 500 ट्रक मालिक से ऊपर आ रहे हैं। उसी दिन निर्णय होगा कि हम लोग को क्या करना है।